यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन कुंज बिहारी।
मनोहर नटवर नागर मुरली 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 मनोहर नटवर नागर जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बाल कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरधारी गोपाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया जुगल जोड़ी सरकार की जय। सियापति राम चंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की आदिशक्ति जगदम्बे माता की जय। देवादिदेव महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। माता की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय
श्री बाल कन्हैया लाल बांके बिहारी मोर मुकुट पीतांबरधारी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछ कल्पतरु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का साक्षात वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सभी भक्त भक्तों के हृदय में सदा विराजमान श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणारविंद में नमन वंदन प्रणाम करते हुए इस भागवत कथा अनुष्ठान के यजमान परिवार मेरे साथ संगीत के माध्यम से सदैव नित अंग संग रहने वाले सभी मेरे प्यारे संगीत प्रिय बंधुगण, बाहर से भीतर से हर प्रकार से इस कथा यज्ञ सत्र में इस अनुष्ठान से जुड़ने वाली पावन आत्माओं, साउंड सेवा सर्विस के भाई हमारे पवन, सभी सहयोगी जन तथा यत्र तत्र सभी स्थानों से आने वाली पावन आत्माओं, मातृशक्ति माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं बच्चों, आइए इससे पहले कि हम कथा रस धारा में गोता लगाएं, आइए अपने हृदय को सत्पात्र बनाते हुए एक बार श्री राधे महारानी को याद करें, अलहदिनी शक्ति को पुकार लगाएं, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ एक चित्त होकर के आइए श्री राधे को याद करें। प्यार से बोलिए जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। चूंकि अब हम कथा सत्र में इस क्रम में आगे बढ़े, इससे पूर्व आज ही कुछ दुखद घटना घटी है गांव में। दिवंगत आत्मा हम सब के बीच में से परमात्मा के धाम में उनकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। गतात्मा की शांति के लिए आइए उस परिवार में जो अथाह दुख आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और गतात्मा को परमात्मा के धाम में अखंड निवास प्राप्त हो, इस शुद्ध भाव के साथ हम आप सब मिलकर के हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि देते हुए कुछ मिनट के लिए मौन रह करके प्रार्थना करें परमपिता परमात्मा के चरणों में। आइए हम आप दो मिनट के लिए कुछ क्षण मौन रह करके गतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद हम कथा यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
बोलो भागवत भगवान की जय। आइए महामंत्र का जाप करें। मैं एक बार उच्चारण करता हूं, आप सबने साथ देना पीछे से। श्री कृष्ण श्री, सभी मिलकर बोलिए, सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी काम को भज भज के सदा सुख लो हे आत्मा सदा आनंद लो हे आत्मा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। तो आइए कथा सत्र में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज दूसरा पड़ाव, द्वितीय चरण, दूसरी बैठक में हम सब एकत्रित हैं। क्योंकि पहले ही बताया गया, अथाह सागर है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अथाह को कुछ क्षण, कुछ देर, कुछ घंटों में उनको शब्दों में बांधना, सीमित करना, वर्णन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, असंभव है। फिर भी जैसे कि बताया गया, जितनी हमारी क्षमता है वही परमात्मा जो हम सब में बैठ करके श्रवण कराते हैं और सुनते भी वही हैं, सुनाते भी वही हैं। हम आप तो सब निमित्त मात्र हैं। सौभाग्य हमारे जीवन का है कि उनके चरणों में बैठ करके उन्हीं का गुणगान गाने का सौभाग्य दिया है। ये हम सब का परम सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हम जितना ही अपने जीवन में उतार सकें ये हमारे लिए अति उत्तम होगा। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनि सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुत जी महाराज ऊंचे आसन में बैठ करके 88,000 ऋषियों को बहुत सुंदर कथा रस पान करा रहे हैं। शौनक नाम के ऋषि सुंदर सुंदर प्रश्नों के माध्यम से सभी ऋषियों का भाव, उनकी जिज्ञासाओं को प्रश्न बना करके पूछते हैं और सदगुरु सुत जी महाराज उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में भागवत कथा का निस्तारण कर रहे हैं। हम भी अपने आप को कुछ क्षण के लिए आत्मा रूप में उन अनंत ऋषियों के बीच में, उनके चरणों में आश्रित कर दें, ताकि दो चार छींटें, दो चार बूंदें हमारे जीवन में भी छलक पड़े। इस भाव के साथ तो सुत जी महाराज के चरणों में शौनक नाम के ऋषि ने
आचार्य शौनक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, कि हमने सुना है कि परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा थे, धर्मपरायण थे, न्यायप्रिय थे, प्रजा को अपनी संतान मान करके सेवा करते थे, लालन पालन करते थे, जीवन में कभी उन्होंने कोई दुष्कर्म नहीं किया, किसी पर अन्याय नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, चारों तरफ धर्म का वातावरण था, प्रजा सुखी, चारों तरफ राम राज्य सा माहौल था, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, न्याय और धर्म इंसाफ चारों तरफ बड़ा सुंदर वातावरण था, प्रजा को ही अपनी संतान मान करके सेवा करते थे, लालन पालन करते थे, ऐसे न्यायप्रिय राजा, लोकप्रिय राजा, ऐसे राजा के ऊपर भी इतना बड़ा श्राप कैसे हुआ, जिनको सात ही दिन में सर्प दंश से अकाल मृत्यु का श्राप, इतना बड़ा दंड कैसे हुआ। आपने भी कई बार विचार किया हो, फलाना आदमी तो बहुत अच्छा था, धर्म कर्म करता था, बड़ा अच्छा, बड़ा ही उसके बारे में सोचा जाए तो उसके जीवन में कोई ऐसा अशुभ कृत्य है ही नहीं, फिर भी मन में प्रश्न आता होगा इसके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। हमारे अपने मन में भी कई बार प्रश्न आते, हमने तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं किया, किसी के बारे में कभी अशुभ सोचा भी नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों। तो हमारी तो औकात क्या है, राजा परीक्षित के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, जो न्यायप्रिय है, धर्म परायण है, नीति परायण है, शास्त्र सम्मत है, किसी को कभी दुख देने के बारे में सोचते भी नहीं, ऐसे राजा परीक्षित के जीवन में इतना बड़ा कुठाराघात क्यों हुआ, इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा दंड कैसे मिला। तो संत सुत जी महाराज कहने लगे, बिना कारण कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है, और वो कार्य सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, पॉजिटिव हिसाब से देखा जाए, भले सामने दिखता अशुभ दिखता हो, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई सुंदर कार्य, सुंदर कारण निहित होता है। परमात्मा कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, ये तो हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में दुख तकलीफ कष्ट सुख आदि आदि अनेक रूपों में आते हैं। जीवन में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, ना ही कोई किसी को सुख दे सकता है। आप ये ना सोचें कि फलाने ने मुझे दुख दिया या फलाने ने मुझे सुख दिया, किसी वजह से कोई हमको ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है, कोई दूसरा कारक नहीं हो सकता। संत और शास्त्र ये बताते हैं, संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काउन को सुख कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काउन को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, फिर बोले इंसान के अपने कर्म ही उसको सुखी करते हैं या उसके अपने कर्म ही उसको दुखी करते हैं, कोई दूसरा तीसरा कारक नहीं हो सकता। हमने दूसरों को देखना नहीं, स्वयं पर झांकना है, हमसे क्या त्रुटि हुई होगी। संत और शास्त्र ये बताते हैं, दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता किसी के बारे में, वो तो अपना ही भोग भोग रहा है। तीन प्रकार के कर्म बताए गए कर्म शास्त्र में, वैसे तो अनेक कर्मों का वर्णन गीता में भगवान श्री कृष्ण कह करके सुनाते हैं। एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म, और एक होता है
क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध, ध्यान एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, इस तीन प्रकार के कर्मों में इंसान झूलता है, उलझता है, इससे बाहर जा नहीं पाता। प्रारब्ध कौन है? जो प्रारब्ध मतलब जो पहले हमने भोगा है, जिसकी बदौलत आज हम भोग रहे हैं, जो कृत्य हमने पीछे किया कभी भी, उसके नतीजे में आज हमें वर्तमान में जो भोग रहे हैं। पहले आपने बहुत अच्छा किया होगा जिसका नतीजा आज भगवान के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण कर, नहीं तो ये समय हमारा न जाने कहां कहां दुनिया को बटोरते हुए, उलझते हुए, झगड़ा करते हुए, नाना भांति तनावों से गुजरते हुए बीतता। कभी प्रारब्ध में हमने अच्छा किया होगा, शुभ किया होगा, सुकृत्य किया होगा, नतीजा ये आज भगवान के चरणारविंद में बैठ करके, दरबार में बैठ करके सुकृत्य हमारे साथ सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। ये प्रारब्ध, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। अपना अपना प्रारब्ध हम वर्तमान में भोगते हैं, वर्तमान में अभी हम जो भोग रहे हैं उसका नाम है प्रारब्ध। चाहे अच्छा भोग रहे हैं चाहे बुरा भोग रहे हैं, कोई रो रहा, इसी समय कोई रो रहा होगा, इसी समय कोई खुश हो रहा होगा, कई लोग ताश खेलने में व्यस्त हैं, कोई मस्ती मारने में व्यस्त है, इसी समय में कोई हरिनाम को, परमात्मा को रिझाने में लगा हुआ है, कोई दुनिया को रिझाने में लगा हुआ है। जो हमारे हाथ में वर्तमान में है इसका मतलब ये है प्रारब्ध, हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, एक कर्म हो। दूसरा कर्म वो है संचित, यानी कि डिपॉजिट है, अभी भोगना जो बाकी है, जो भोग रहे हैं इसका नाम है प्रारब्ध। अभी जो भोगना बाकी है वो है डिपॉजिट, अभी जमा है, वही धीरे 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 हमने जो कमाया था वही हमारा बैंक बैलेंस, हमने कमाया बैंक में रखा और बैंक से निकाल निकाल के ब्याज खाते रहे, मूल भी खाते रहे, वही हमारा ही किया हुआ कर्म। भोग रहे हैं तो प्रारब्ध है, अभी भोगना बाकी है वो डिपॉजिट संचित कर्म हो गया। और संचित कर्म और प्रारब्ध भोगते भोगते जो हमसे कर्म बन रहा है, ये क्रियमाण कर्म बन के फिर जमा हो रहा है, आगे आगे जमा हो रहा है। तो संचित प्रारब्ध संचित क्रियमाण, प्रारब्ध संचित क्रियमाण करते करते इस कर्म के चक्कर में, कर्म के जंजाल में जीव फंसता जाता है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्मना मरना जन्मना मरना, इस चक्कर से जीव मुक्त नहीं होता। क्योंकि मैंने कल भी कहा, जीव हम सब का, हम सब की जो है आयु कम है, जीवन थोड़ा है, कामनाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, पूरी संसार, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को हम लपेटना चाहते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो, और जीवन थोड़ा, कामना बहुत, इच्छाएं बहुत है, जरूरतें बहुत हैं, तो कामना पूर्ति होती नहीं, जीवन चला जाता है। तो जैसी जैसी कामना के साथ हमारी यात्रा पूरी होती है, अंतमति आशा गति, फिर अगली गति वैसी हमारे लिए निश्चित है। तो इस कार्य कारण नियम के चक्कर में जीव उलझता जाता है, इससे भवबंधन से मुक्त नहीं होता। मुक्त होने का एकमात्र उपाय है जो परीक्षित करने जा रहे हैं हम, दरबार, दरवाजा तो एकमात्र है, शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा। तो इस क्रम में सदगुरु सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बताते, ऋषियों परीक्षित के जीवन में भी अपने ही उनके कर्मों के द्वारा कुछ ऐसा कुछ भोग भोगना लिखा था। भोग तो भोग रहे हैं परीक्षित, अपना प्रारब्ध की सजा भोगने जा रहे हैं, दंड भोगने जा रहे हैं, उनको इतना बड़ा मृत्यु दंड का श्राप मिला, पर उनको श्राप मिला, उस श्राप के जवाब में जो घटना घटी उस सब से जगत का कल्याण हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
अगर उनको सर्पदंश से मृत्यु का श्राप न लगा होता तो आज भागवत हमारे बीच न होती। उनको इतना बड़ा दंड वो भोगे, सजा उनको मिली, पर उसके बदले में उनको जो संत प्रसाद मिला, सिर्फ परीक्षित को संत प्रसाद नहीं मिला, सारे जगत को उद्धार करने का मार्ग मिला, जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। और इस कथा को मात्र कहा, इसको सिर्फ कुछ नहीं करना, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सिर्फ सेव्या मतलब सेवन करना, पान करना। कैसे पान करना, इसको फल कहा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गल, निगम माने शास्त्र, वेद उपनिषद शास्त्र, समस्त शास्त्रों के द्वारा प्राप्त ये फल है। सब शास्त्रों का रस निचोड़ निचोड़ करके इसमें सार रूप में भर रखा है भागवत। उन सब शास्त्रों का सार है वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम। जिस प्रकार एक आम के वृक्ष में आप उसके पास जाइए, आम का पत्ता तोड़ के खाइए, स्वाद नहीं आएगा, मुंह कसैला हो जाएगा। रस तो आएगा ना, रस तो है। उसकी डाली तोड़िए, मुंह में चबाइए, रस तो आएगा पर मजा नहीं आएगा, मुंह खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। उसका छिलका चबाइए या उसकी जड़ चबाइए, रस तो अवश्य आएगा पर मजा नहीं आएगा, स्वाद खराब होगा। लेकिन वही आम का रस जब फल बन के तैयार होता है, पक करके तैयार होता है, और वही फल गोविंदा अर्पण करके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, आम्र फल, वही तो रस था, कहीं बाहर से लाया तो है नहीं। वही फल पक करके जब तैयार हुआ और आपने प्रभु को भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया, तो वही रस कितना मधुर, कितना प्यारा होता है। ऐसे ही सब शास्त्र जो है पढ़ने जाएं, व्याकरण पढ़ने जाएं, वेद उपनिषद पढ़ने जाएं, कहां हमारे पास टाइम है, दो घड़ी कथा सुनने का टाइम नहीं, कहां तो व्याकरण पढ़ेंगे, कब शास्त्र पढ़ेंगे, कब वेद उपनिषद पढ़ेंगे। तो कलयुग के जीवों के पास वक्त कम होगा, टाइम कम होगा, तो संतों ने विचार करके समस्त शास्त्रों में से सार रस निकाल के इस शास्त्र में भागवत में भर दिया। बोलो भागवत भगवान की। वही फल उसी का रस है, कोई बाहर से नहीं लिया। और निगम कल्प तरूर, निगम रूपी शास्त्र रूपी कल्प तरु, कल्प मतलब वृक्ष को, और गलितम फलम, और वो फल पक करके गल गया है, मधुर बन गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और आपने सुना होगा, मैं अभी सवेरे भी कई इधर घूमने गया, खेतों में बाग लगा रखे लोगों ने, बेर, कहीं कहीं अमरूद, कहीं किन्नू, कहीं माल्टा, और जहां फल होते हैं वहां सुखदेव भगवान विराजते हैं, है ना, तोता है? तोता जाकर के उन फलों को खाता है, चोंच मारता है ना, तो लोग रखवाली करते तोते से। तोता कई फलों को चोट मारता है, तो चोंच मारता है, और बोले क्या करता है, टेस्ट करता है कौन सा फल सबसे ज्यादा मीठा है, और वही फल खाता है। आम्र फल में भी, आम में भी यही है, पक करके तैयार हो
तोता उसी फल में सबसे ज्यादा स्वाद ले लेकर के उस फल को खाता है जिसमें सबसे ज्यादा रस हो, मीठापन हो, मधुरता हो। तो सद्गुरु भगवान कहते हैं ये भी एक फल है, सब शास्त्रों से लिया गया, निचोड़ा गया, उसका रस मधुर रस फल है। पक करके निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखात, शुकमुखात शुक सुखदेव महाराज, जैसे उस फल को तोते ने चोच मारा, तोते ने चोच मारा इसीलिए मीठा नहीं है, लेकिन तोते को पता है कि कौन सा फल ज्यादा मीठा है, उसका आनंद लेने के लिए वो चोच मारता है। तो इस फल को भी किसने मारा चोच, बोले शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सदगुरु सुखदेव महाराज ने इस फल को चोच मारी, यानी कि उनके मुखारबिंद से ये कथा निसृत हुई है। सदगुरु सुखदेव महाराज के मुखारबिंद से ये अमृत गंगा निकले है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, पिबत भागवतम, और इस फल को खाना नहीं, इस फल को खाना नहीं, इस फल को क्या करना है, बोले पिबत भागवतम, दुनिया के बाकी सारे फल चबा चबा के खाए जाते हैं, मुंह से खाए जाते हैं, तो ये फल विचित्र फल, कृष्ण कथा, कृष्ण ही विचित्र हैं, तो उनकी हर एक लीला विचित्र है, उनकी कथा भी विचित्र है, उनकी कृपा भी विचित्र है, उनकी लीला भी विचित्र है, तो ये फल भी विचित्र फल है। ये फल खाया जाने वाला फल नहीं, ये तो पिया जाने वाला फल है। पीवत भागवतम, इस फल को पीना है, कैसे पीना है, श्रवण रंध्रेण, मुंह से, चलो पीना भी है तो मुंह से पी लो, बोले नहीं नहीं नहीं, मुंह से नहीं, पीवत भागवतम, कानों से पीना है। ये फल कानों के माध्यम से पिया जाने वाला फल है। तो कब तक पीना है, कब तक पीना है, बोले पीवत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, रसम आलम, ये रस जो है कब तक पीना, आलयम पर्यंतम, आलयम पर्यंतम मतलब जब तक जीवन है तब तक इसको पीते रहना है, पीते रहना है। बोलो भागवत भगवान की, आलयम पर्यंतम, जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तब तक सदा सदा सत्संग, सदा सदा कथा, जीवन पर्यंत। आज सवेरे हम गए थे खेत में, एक भाई ने प्रश्न पूछा, महाराज ऐसा कोई, ऐसी कोई बात बताइए, ऐसी कोई दवाई बताइए, ऐसा कोई सत्संग दो बात बताइए कि एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनना ना पड़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बार बार हमारी मति खराब ना हो और हम सदैव सही बने रहें, मति हमारी अच्छी बनी रहे। तो हमने कहा ऐसा फल तो हमारे पास है नहीं भाई, ऐसा सौदा, ऐसा जादू मंत्र अपने पास नहीं। जैसे जीवन को चलाने के लिए रोटी बार बार खानी पड़ती है, ये मोबाइल चार्ज है, मोबाइल होता है, इसको भी रोज चार्ज करना पड़ता है, है? तो इसी तरह से सत्संग भी जीवन में सदैव चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कथा सत्संग संत शरण शास्त्र संग सदैव चाहिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या, श्रीमद् भागवती कथा सदा सेवन करो, सदा सेवन करना है। जैसे रोटी भोजन रोज चाहिए जीवन चलाने के लिए, रोज भोजन चाहिए जीवन चलाने के लिए, और जीवन चलाने वाली आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन भी रोज चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भजन भी नित्य चाहिए, एक बार में नहीं होगा, इसको भी चार्ज करते रहना पड़ता है। प्रणाम अता, इसीलिए सदैव कथा हो, सदैव सत्संग हो, निरंतर भजन हो, निरंतर भोजन हो, निरंतर भजन हो।
निश दिन ग्रही प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याई सो और धाम भरना निश दिन सदैव। जैसे हम बदल बदल के रोज भोजन सब्जी बदल बदल, लेकिन भोजन तो करते ही हैं, बदल बदल के भले ही हो, तो सदा सदा सेवन करने योग्य भागवत कथा है, जिसको पाकर के हरि चित्तम समाश्रयत, वो परमात्मा हमारे हृदय मन मंदिर में आके विराजमान हो जाते हैं। ये बाहर के जितने भी ये तो प्रतीक रूप में हैं, मूर्ति हैं, विविध प्रकार की मूर्तियों की हम सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को लेकर के जैसे अपना लल्ला होता है, इसी तरह लड्डू गोपाल की सेवा होती है। आजकल लोगों में इस तरह का चलन चल पड़ा है, ठाकुर जी को, यूं बड़े ठाकुर जी को लेके चलना भी मुश्किल है, उनके साथ प्रीति करना मुश्किल, बच्चों के साथ तो प्यार होना स्वाभाविक है। तो अथाह ब्रह्मांड के नायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक, उस ब्रह्म को हम दर्शन कर सकते हैं पर प्यार नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम तो हम थोड़े छोटे बालकों को कर सकते हैं, इसलिए मैया यशोदा ने बालक के रूप में चाहा। कौशल्या मैया ने, हे प्रभु आप बच्चा बन के आइए, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। आपके इस विशाल रूप को हम कैसे निहारें, कैसे देखें, कैसे प्यार करें, कैसे गोदी में रखें। माँ जिस तरह से अपना संपूर्ण वात्सल्य बच्चे पर उड़ेल देती है, हे प्रभु परमात्मा हम भी आपके मुखारविंद में अपना हृदय का संपूर्ण प्रेम उड़ेल देना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप में, ये छोटे रूप में बाल कन्हैया, तो बाल कन्हैया के साथ प्यार, एक बार ऐसे कुछ हुआ, हमने कहीं सुनी थी कथा, आपने भी सुनी होगी। वृंदावन में गोस्वामी तुलसी जी गए, एक बार प्यार से हाजिरी लगाई, प्यार से जय श्री राधे, थोड़ा प्यार से लगाई, थोड़ी हिम्मत कर लो, कोई बात नहीं, कट्टो को सौदो को नहीं, प्यार से लगा, थोड़ी हिम्मत कर लो, कोई मेरी बात पक्की बात, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसी जी वृंदावन गए कि सुना कि बड़ी चर्चा सुनी कि कन्हैया बहुत प्यारा है, वहां के बिहारी की छवि बहुत अच्छी है, दर्शन करने गए। अब जब दर्शन किया तो बड़ा गदगद हो गए, आनंदित हो गए। इधर बिहारी जी का स्वरूप दर्शन किया, इधर सूरदास जी महाराज, सोचा कि भक्त सूरदास जी भी हैं, चलो उनसे मिलते चलें, इतनी दूर से आए हैं और दोनों भक्त भक्त हैं, एक राम के भक्त हैं, एक श्याम के भक्त हैं, दोनों की मुलाकात हो गई, गदगद हो गए, आनंदित हो गए, चर्चा शुरू हो गई, एक दूसरे के इष्ट की उपासना के बारे में चर्चा शुरू हो गई। और इतना अच्छा बीतते बीते समय कितना बीत गए पता ही नहीं चला। दोनों अब आपस में अपने अपने भगवान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, तो लोगों ने सुना तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, जो आगंतुक जो भक्त लोग थे उनको भी अच्छा लगने लगा, तो करते 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 बड़ी दुनिया आसपास इकट्ठी हो गई, सबको आनंद, और उन दोनों को भान नहीं है, दोनों बैठ करके सत्संग एक दूसरे के इष्ट की चर्चा हो रही है, उनकी कृपा के बारे में, उनकी हरकत के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। तो भीड़ जमा हो गई चारों तरफ और सब भक्तों को बड़ा आनंद आ रहा है वृंदावन में, गदगद होकर, अब दोनों मगन हैं अपने इष्ट का वर्णन करने में। इतने में कोई शैतान, कोई दुष्ट मति का आकर के उन्होंने देखा यहां सब मगन हैं, पागल बने बैठे सारे, उसने यूं ही शोर मचा दिया, अरे रे सांड़ आ गया, सांड़ आ गया, सांड़ खगड़ आ गया।
अब दुनिया तो दुनिया है, दुनिया कब किसकी हुई है? दुनिया किसी की नहीं है। दुनिया तो इधर जाओ तो इधर है, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। जब देखा कि सांड आया, खाकड़ आया जान बचाने के लिए, दुनिया भाग पड़ी, सब खाली हो गया मैदान। अपनी अपनी जान बचाओ, कहां का सत्संग, कैसा सत्संग, किसको चाहिए सत्संग आपातकालीन। सब दुनिया भागी, सारा सारे भक्त सब किनारे हो गए, भाग गए, कहां छुप गए। लेकिन हैरानी तो तब है कि गोस्वामी तुलसी ने देखा सूरदास जिनकी आंखें नहीं हैं वो भी भागे। लाठी छूटी, पीताम्बर छूटा, पगड़ी छूटी और वो भी भागे दौड़े। दुनिया भागी ये बात समझ में आती है, लेकिन भक्त सूरदास जिनकी आंख भी नहीं है वो क्यों भागे? क्या उनको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं? मुझे तो अपने राम पर भरोसा है। लेकिन इतनी हमने तो इनके बारे में बड़ी महिमा सुनी थी और ये अपने भक्त पर, भगवान पर भरोसा ही नहीं करते, तो भागे डर के मारे। आंख न होने पर भी जो दौड़ नहीं सकते फिर भी भागे, इनको अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं। तो इस टेंशन में गोस्वामी जी आ गए, ये बात पची नहीं। गोस्वामी जी भागे नहीं, वहीं बैठे रहे, वो बात थी ही नहीं। आई गई हो गई, न सांड न खागड़ कुछ नहीं था। फिर धीरे 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 मामला शांत हुआ, तो बैठे थे थोड़ी देर में, फिर लोग भी आने लगे, सुदामा जी भी सूरदास जी भी आ गए। धीरे धीरे किसी ने सहारा दिया, उनको वहां पहुंचाया। अब फिर दोबारा सब भक्तों ने कहा, महाराज बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, बड़ा सुंदर ज्ञान चल रहा था, बेकार में डिस्टर्ब कर दिया, चलिए महाराज फिर शुरू करिए, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, विघ्न कर दिया, बाधा कर दिया, फिर शुरू करें। तुलसी कह रहे नहीं नहीं नहीं, शुरू नहीं करेंगे, अब तो मेरे मन में टेंशन हो गई है, पहले उसका समाधान होगा फिर तब जाके कथा चालू होगी। कि महाराज दुनिया भागी, संसार भागा, ये सारी पब्लिक भागी, ये तो बात पचती है, समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों भागे? सूरदास जी आपकी तो आंखें भी नहीं, भागने के वक्त ना पीताम्बर का पता, ना डंडे का पता है, ना कुछ पता है, आप सब छोड़ झाड़ के भागे। क्या तुमको अपने श्याम पर भरोसा नहीं, अपने भगवान पर भरोसा नहीं? मुझे तो अपने राम पर भरोसा है। जाको राखे साईया मार सके न कोई। मैं इसीलिए नहीं भागा कि मुझे अपने इष्ट पर भरोसा था, इसीलिए नहीं भागा। लेकिन तुम इतने बड़े भक्त होकर के, आपका, आपकी महिमा सुन करके तो मैं आया हूं, और आप भागे तो मेरे मन में संशय पैदा कर दिया कि आपको भरोसा नहीं था, आप क्यों भागे? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर आगे कथा चलेगी। सूरदास की आंखों में आंसू आ गए, भगत जी मैं भागा नहीं, मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा है, मैं भागा नहीं। फिर गए क्या थे, ये तो डंडा डंडे का पता, आप सब छोड़ छाड़ के भागे निकल पड़े आप तो। बोले मैं भागा अपने आप को बचाने के लिए नहीं, स्वयं को बचाने के नहीं, मेरा श्याम सोलाना छोटा सा है ना, मैं तो उसको बचाने के लिए भागा था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, मैं अपने लिए नहीं, मेरा देव आंखें नहीं वो सब नहीं, लेकिन भाव दशा देखो उनकी, मेरे गोपाल छोटो सो गोपाल, प्यारा सा गोपाल छोटो सो है ना, कहीं उसके ऊपर कहीं भी पदा ना आ जाए, मैं उसको बचाने के लिए भागा। ऐसे भक्तों के भाव के लिए वो छोटा भी बन जाता, बौना भी बन जाता, नन्हा सा बाल भी बन जाता, भक्त जैसे नचाए वैसे वो नाचने को तैयार है। पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला मालिक, अखिल ब्रह्मांड का नायक ब्रह्मांड को नचा रहा है, और ऐसे भगवान को भक्त नचाते हैं अपनी मर्जी से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सब प्रतीकात्मक रूप में है। तो ये सारी बाकी जो है, भगवान सर्वत्र समान रूप से हम सबको सुलभ है, बस हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जान्या, हरि व्यापक सर्वत्र समान।
तो ये सब प्रतीकात्मक रूप में है, बाकी तो वो अपनी मौज में अलग अलग रूपों में है। तो कार्य कारण नियम के चलते इंसान अपने सुख का या दुख का स्वयं जिम्मेवार है। तो परीक्षित के जीवन में इतना बड़ा संकट आया, उसके पीछे भी उन्होंने कुछ ऐसे कृत्य किए थे, पर उसके बदले में जो उनको उत्तर मिला, भले उनको इतना बड़ा दंड मिला हो, लेकिन उसके बदले में जो उनको मिला, उससे सारा जगत का कल्याण हुआ, भागवत रूप। तो ऋषियों, मैं वही कथा आप सबको कह करके सुनाऊंगा, कह करके सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 Gopal Radhe Krishna Govind.
सुखदेव सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों राजा परीक्षित के कंधे में जैसे राजपाट आया है, उन्होंने सोचा मेरे पूर्वजों ने कितना यश कमाया है, कितना बड़ा साम्राज्य है, पता तो करें। धर्म विजय अभियान के लिए चल पड़े सशस्त्र सेना के साथ। चारों तरफ उनका जय जयकार होने लगा, लोगों ने बड़ा यश गाया, उनकी कीर्ति गाई, उनके पूर्वजों का बखान होने लगा।